माइग ऑफ डेली डाइजेस्ट के वेडनेसडे एडिशन में आपका स्वागत है। 16 जून, शुरुआत करते हैं आज की कोविड अपडेट्स के साथ। कोविड के केसेस में लगातार कमी का क्रम जारी है। इंडिया के एक्टिव केस रोज की संख्या पिछले 70 दिनों में पहली बार घटकर 9 लाख के नीचे पहुंची है। वहीं दूसरी ओर रिकवरी रेट का आंकड़ा भी पिछले दिन की अपेक्षा आज बढ़ा है। 15 तारीख को रिकवरी रेट का आंकड़ा 95.65 से बढ़कर आज 95.80 तक पहुंचा। इसी बीच अगर कोविड वैक्सीनेशंस की बात की जाए तो देश में अब तक वैक्सीन्स की 27.28 करोड़ से अधिक खुराकों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया गया। कोविड के घटते हुए नंबर्स और अनलॉक की प्रक्रिया में जरूरी है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें। मास्क और सैनिटाइजर्स के साथ साथ वैक्सीन से जुड़े मिथ और फैक्ट्स के लिए भी सजग रहें। वैक्सीन से जुड़े मिथ और फैक्ट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं MyGov India यूट्यूब पर। देश के अन्य खबरों में, मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्री नितिन गडकरी ने MSMEs के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सिंप्लीफिकेशन की घोषणा की है। 15 जून को SME स्ट्रीट गेम चेंजर्स फोरम के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि अब MSME के पंजीकरण के लिए केवल पैन और आधार की आवश्यकता होगी। MSME के महत्व पर जोर देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि MSME उद्यमिता को बढ़ावा देने और बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने 7 नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का उद्घाटन वर्चुअली किया, जिसमें जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और सारनाथ शामिल है। इस मेगा लॉन्च इवेंट में इम्यूनिटी बूस्टिंग हैम्पर्स, ट्राइब्स इंडिया कॉफी टेबल बुक, नया ट्राइफेड हेड ऑफिस समेत अन्य मुख्य आकर्षण भी थे। आपको बता दें कि वोकल और आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर ट्राइफेड कई काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय आबादी को सस्टेनेबल लाइवलीहुड उपलब्ध करवाने का है। ये पहल हाइब्रिड मोड में यानी फिजिकली और वर्चुअली शुरू की गई है। देश के अन्य खबरों से रिसर्च की ओर, कोहरे के मौसम में भी अब वस्तुओं से स्पष्ट चित्र लेना यानी इमेजिंग संभव होगी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पार्शियल फंडिंग के साथ भारतीय रिसर्चर्स ने एक ऐसा तरीका खोजा है जो सर्दी के दौरान फॉग में खींची गई तस्वीरों को बेहतर बना सकता है। इस टेक्नोलॉजी में लाइट के सोर्स को मॉड्यूलेट करते हुए इमेज की क्वालिटी को सुधारा जा सकता है। इस शोध के दौरान यह पाया गया कि प्रकाश के स्रोत यानी लाइट के सोर्स को मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करने से उसकी क्वालिटी में इजाफा किया जा सकता है। फिलहाल MyGov डेली डाइजेस्ट में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कल और रोचक जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ। आप अपने फीडबैक, सजेशंस हमसे शेयर कर सकते हैं MyGov फेसबुक, ट्विटर, कू और यूट्यूब पर भी। और हाँ, याद रखिए, मन की बात की लाइन सभी ओपन है। आप अपने सुझाव, इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमसे शेयर कर सकते हैं MyGov.in पर। MyGov डेली डाइजेस्ट के इस एडिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।